हेलो एवरीवन, मेरा नाम औरंगजेब है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपकी रहनुमाई कर सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस, जो क्रिमिनल केस होता है वो कैसे चलाया जाता है, या फिर जो स्पेशल कोर्ट होती है एटीसी, उसकी कार्रवाई कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1997 के एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत जो FIR दर्ज होती है, जिसमें दहशतगर्दी होती है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई जुर्म होता है या कोई वारदात होती है तो फिर FIR दर्ज होती है, जो कि एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत फिर उसकी आगे कार्रवाई चलाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि FIR नंबर है, FIR नंबर 2021 की है FIR है, और ये इसका FIR का फॉर्मेट है सारा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि इसमें भी शेख कालम ही होते हैं, और इसमें तारीख वक्त का जिक्र किया जाता है, दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है कंप्लेनेंट, उसके बाद फिर ये जो जुर्म हुआ है, मुजरम, जिस मुजरम के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है कि वो किस सेक्शंस के तहत दर्ज की गई है। ये 23(1)A के तहत FIR दर्ज की गई है, कि मतलब रिकवरी ऑफ अनलाइसेंस्ड वेपन। उसके बाद फिर वारदात और जगह के पुलिस स्टेशन के डिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें लिखा हुआ है कि 17 से 18 जो भी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कॉलम नंबर 5 ये 6 आ गया, मतलब ये पूरी ये कौन सी तारीख को दर्ज की गई है, 8/3/2021 को। वक्त क्या है, 20:30, मतलब रात के 8 बजे ये FIR दर्ज हुई है। बदालत जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ATC कराची डिवीज़न, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट कराची में FIR दर्ज की गई है। ज़िला सेंट्रल ज़िले में SIU थाना SIU की तरफ से ये FIR दर्ज की गई है, और ये सिग्नेचर, ये उसका होता है SI। अब ये इसमें पूरी तफसीलात दी गई हैं कि FIR नंबर 133/2021, दफ़ा 186, 324, 353, 353, 324, 186 PPC के तहत, और रेड विथ 8788 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये FIR दर्ज की गई है। थाना SIU कराची सेंट्रल, सर्विस रोड बिलमुकाबल मोड, बुलबुल मोड। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि वाकया कैसे हुआ, और ये क्या रिकवरी वगैरह हुई, क्या मतलब जो भी FIR में इंफॉर्मेशन है वो दर्ज की गई है कि पिस्टल पेशावर आर्म्स कंपनी का है, 30 बोर का पिस्टल, ये इसका नंबर, ये उसकी मुकम्मल तफसीलात आ गई। 23(1)A के तहत ये केस दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल FIR हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ चालान। तो FIR आपने देखी, और चालान दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो FIR है, सेम FIR है 133/2021, ये टाइम वगैरह ये सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। ये इसको कहते हैं हम बटर कॉपी, बटर मतलब क्लियर कॉपी, जिसमें बाकायदा आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ जो ओरिजिनल FIR है, ओरिजिनल FIR की जो लिखत है वो ऐसी है कि कोई पढ़ने मतलब कोई पढ़ ले या शायद किसी को समझ में ना आ जाए, लेकिन फिर ये बटर कॉपी होती है कि क्लियर कॉपी, जिसमें ये सारा FIR की यूँ समझें कि एक क्लियर मतलब कॉपी बनाई जाती है। और अब चलते हैं चालान की तरफ, और आप ये देख सकते हैं कि ये है चालान, चार्जशीट नंबर 172/2021, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 133/2021 में, जैसे मैंने आपको FIR नंबर बताया, ये उसका चालान है, चार्जशीट, चार्जशीट कहा जाता है ये 173 CRPC सेक्शन 173 के तहत कोर्ट में पेश की जाती है।
ये 173 सेक्शन के तहत सीआरपीसी के तहत बनाई जाती है और इसमें मुकम्मल डिटेल दी जाती है कि नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ द कि किसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और इसमें चालान एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है और इसमें उनके नाम दिए जाते हैं अक्यूज के आया वो बेल पर हैं या नहीं और इसमें क्या रिकवरी हुई है। रिकवरी के बाद फिर विटनेसेस गवाहान जितने भी विटनेसेस होते हैं उसके बाद फिर इसमें जो जुर्म हुआ है उसके मुतालिक इसमें बयान किया जाता है जिक्र किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो में आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ATC एंटी टेररिज्म कोड के केसेस कैसे होते हैं बनते हैं। तो FIR की दूसरी तरफ देख सॉरी चालान की दूसरी तरफ देख लेते हैं। इसमें मुकम्मल रिपोर्ट लिखी हुई है, ये देख सकते हैं कि जनाब आली अर्ज है कि वाकया इस तौर पर है कि को हमारा पुलिस पार्टी कराची जुमला स्टाफ बावर्ती दुरुस्त जरिया मोबाइल सरकारी तलाश मफरूर इश्तिहारी मुलजमान अंदरूनी जिला सेंटर मसरूफ होकर हदूद इलाका थाना पहुंचे तो जरिया मुखबर इतला मिली के मुतद ने मुलविस बहालत मुसल्ला दो मोटरसाइकिलों पर सवार ब मकाम मौजूद हैं। मुखबर की इस इतला को मोतबर जानते हुए बाला हमराई पुलिस पार्टी को खसूसी हिदायत दी और बाला हमराई पुलिस पार्टी मुखबर बाला पहुंचा और हसब इशारा मुखबर दो मोटरसाइकिलों पर सवार को बाइमदाद हमराई पुलिस पार्टी के पकड़ने की कोशिश की तो हर चार मुलजमान बाला ने सरकार में मुदाखलत करते जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की तो सब इंस्पेक्टर मस्कुरा ने हिफाजत खुद इख्तियारी और मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के लिए पुलिस पार्टी में से तो दो मोटरसाइकिलों नंबर पर तीन मुलजमान फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब हुए जबकि एक मुलजम अपनी पिस्टल की गोली से जख्मी हुआ जिसको पुलिस पार्टी की मदद से दोष देकर पकड़ा जिसने दरियाफ्त पर अपना बताया। भाग जाने वाले अफराद फरारी साथियों के नाम ये बहरहाल मतलब ये पूरा इसमें डिटेल लिखी गई है कि कैसे एक इसमें केस बनाया हुआ है और इसमें चार्जशीट में ये सारा जिक्र किया गया है कि कैसे उनको फिर पकड़ने की कोशिश की और सारा उसमें से जो भी कार्रवाई हुई प्रोसीडिंग्स हुई उसमें उसका ये लिखा गया है। और जुर्म देखें कि 132 FIR 2021 ब जुर्म दफ़ा 34 186 324 353 ते पे रेड वे सेक्शन 780A थाना कराची भी गिरफ्तार है। अब तक की तफ्तीश हासिला बयान गवाहान गिरफ्तारी मुलजम बरामदगी माल मुकदमाती FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट और मुलजम के इतराफ जुर्म से बाला मुलजम बाला के खिलाफ जुर्म दफा 23A सिंध असला एक्ट बखूबी साबित है लिहाजा चालान जरिया चार्जशीट लिहाजा बरखिलाफ तरसीली अदालत आन जनाब है रिपोर्टर्स है। ये आप देख सकते हैं नो प्रोसिक्यूशन एडमिन ATC 445 कराची सॉरी ये नंबर मतलब प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील के ज़रिए ये 19/4/2021 को पेश किया गया है चालान पुलिस की तरफ से। ये पुलिस सरकारी जो वकील होते हैं प्रोसिक्यूशन उनको देते हैं फिर वो कोर्ट में जमा करवाते हैं। और आप ये देख सकते हैं अब फर्दे गिरफ्तारी मुलजम सारा जो इसमें फर्द गिरफ्तारी कैसे गिरफ़्तार की गई क्या स्टोरी है सारा सेंट्रल मसरूफ होकर कराची रोड पर निकले और दो मोटरसाइकिल और नंबर पाला उसको फिर पकड़ा कि इलाज मालेजा हमरा अस्पताल ले गए गवाहान को पढ़कर सुनाई गई और ये गवाह हैं उसके सिग्नेचर हैं। ये आप देख सकते हैं ये 8/3/2021 को गवाही रिकॉर्ड की गई है मौके पर
मौके पर फर्द गिरफ्तारी, मतलब जब उसको गिरफ्तार किया गया है, जवाबदार को जो अक्यूज ने उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उस वक्त ये इनकी सारी डिटेल लिखी गई है कि कैसे उसको गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो इसमें वारदात में पिस्टल इस्तेमाल हुई या जो इन्होंने पकड़ी है, वो देख सकते हैं आप कि उसकी भी इसने मैप बनाया हुआ है, डिटेल बनाई हुई है कि वो कैसे दिखती थी। ये उसमें तीन बुलेट, ये इसका ट्रिगर, ये मैगजीन, और पीछे आप देख सकते हैं सारा गवाह के मौजूदगी में ये इसका नक्शा बनाया गया है कि रिकवरी हुई है इस पिस्टल की। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि फर्द मुआयना मौका जाए वकुआ के जो मौके पर गिरफ्तारी हुई है, मौके पर जाए वकुआ है, उसको देखकर ये पुलिस वाले आ गए, मतलब वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की सारी इलाके की कि रिहायशी आबादी है और वाकई मतलब क्या क्या इलाका है, क्या उस वहाँ की मसरूफियात क्या हैं, क्या मतलब कौन सी तरफ गोली चली लगी या मुल्जमान किस तरफ भागे, ये फिर सारा इसमें फर्द मुआयना मौके पर जो जिसने इन्वेस्टिगेशन की है उसने ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि उसको कैसे पता चला और कौन से टाइम पर वो गया और कैसे गिरफ्तारी वगैरह की। अब आप आगे देख सकते हैं कि ये 161 का बयान है CRPC के तहत, ये FIR नंबर, ये इसका बयान। अब इसमें भी जो गवाहान है उसमें गवाहान ने अपने वैसे ही सेम स्टोरी बयान की है कि कैसे वो रोड पर पहुंचे और कैसे पकड़ने की कोशिश की, क्या हुआ और कैसे उनको असलाह मिला और क्या क्या चीज़ उन्होंने अपनी रिकवर की, ये सारा इसमें बयान किया हुआ है। यही मेरा बयान है, दुरुस्त सुना दुरुस्त है, मतलब उसको फिर पढ़कर सुनाया गया है कि जो गवाह है। इन साहब का भी 8/3/2021 को बयान लिया गया है। या आप देख सकते हैं कि पूरी इसमें ATC जो कार्रवाई होती है, पहले क्या होता है FIR होती है, उसके बाद चालान, चालान के बाद फिर उसमें 161 के बयान जो रिकॉर्ड हुए हैं गवाह के, वो पेश किए गए हैं। और ये जितने भी गवाह हैं उन सब गवाहन के, ये आप देख सकते हैं कि पेश किए गए हैं कोर्ट में कि कौन कौन गवाहन थे और कौन थे, मतलब कि जिस जो वहाँ पर मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ। इसमें भी ये भी सेम डेट को ही हुआ, FIR नंबर 132 और बयान 161 में आप देख सकते हैं कि ये भी सेम स्टोरी बयान की जा रही है। मैं इसमें आपको ये मशवरा कतई भी नहीं दूंगा कि 161 में बयान में फ़र्क है या रिजेंबलेंस एक जैसी है, मेरा बस ये आपको दिखाने का मकसद है। और मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा इसमें, और मेरा ये वीडियो में किसी भी किस्म की कोई जवाबदार हो, कोई पुलिस हो या कोई भी हो पार्टी, मेरा इस वीडियो को मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी, किसी इदारे के ख़िलाफ़ ये वीडियो मैं नहीं बना रहा, ना ही किसी लोगों के ख़िलाफ़ बना रहा हूँ। मेरा बस ये वीडियो बनाने का मकसद है कि लोगों को आगाही मिले कि ATC, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ATC के मामला चलते कैसे हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ATC में जो बयान जो केसेस चलते हैं वो दहशतगर्दी के केसेस चलती हैं, और दहशतगर्दी के जो केसेस चलते हैं वो उसको स्पेशल कोर्ट भी कहा जाता है। ये आप फिर आ जाते हैं 161, ये आप देख सकते हैं कि इसमें सेम वही स्टोरी पेश की गई है कि भाई कैसे क्या हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ वगैरह, ये सारा फिर उसको, यही मेरा बयान है सुना दुरुस्त है, उसको पढ़कर सुनाया गया है। फिर आगे पढ़ते हैं और ये फिर दूसरे साहब के 161 के रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड, वो जो विटनेस हैं गवाह है उनके 161 के बयान है कि कैसे वो भी उस टाइम पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे, 3 दफ़ा फायर करवाए वगैरह, 2 मुलजमान भाग गए या जो भी हो, जो भी कार्रवाई हुई वो सारा, यही मेरा बयान है सुना दुरुस्त है। ये इसमें सेम स्टोरी बयान की गई है, बयान की गई है मतलब बताया गया है जो उसकी गवाही है उसने अपनी गवाही दी हुई है। और ये फिर आप देख सकते हैं कि 161 का बयान है किसी और का कि कैसे हुआ वाकया क्या हुआ, और वो भी सेम ही, मतलब जितने भी गवाह ने उन सब के 161 161 के बयान होंगे।
ये आप देख सकते हैं कि ये फिर दूसरे जो इंस्पेक्टर साहब हैं, ये उनके 161 के बयान आते हैं। और फिर आपको आगे मैं दिखाता चलूं कि आप देख सकते हैं कि ये भी 161 का बयान है कि कैसे ये कार्रवाई वगैरह हुई, सारा सब कुछ इसमें बयान किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी 161 का बयान है और ये फर्द गिरफ्तारी। तो अब इस वीडियो को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, इस वीडियो को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का कतई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी को जवाबदार ठहराऊँ या फिर किसी को सही या किसी को गलत ठहराऊँ। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि लोगों की आगाही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि लोगों को पता चले कि दहशतगर्दी के मामलात कैसे होते हैं, कौन सी कोर्ट में चलते हैं और कौन चलाता है इसको। तो यहाँ पर कराची में ये जो दहशतगर्दी के मुकदमे आते हैं, ये सेंट्रल में जेल में भी चलाए जाते हैं और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो बिलावल चुरंगी के करीब क्लिफ्टन कोर्ट, क्लिफ्टन में है ATC की कोर्ट। उसके बाद फिर हैदराबाद में सेंट्रल जेल में चलाए जाते हैं और उसकी एक अलहदा अगर कोर्ट है तो हैदराबाद का मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर लाड़काना, सखर, ऐसे करके पूरे सिंध में जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो ऐसे ही सेम इसी तरीके से।